थैंक यू सो मच। ऑलराइट बाय। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आज मैं हूँ बेबी टीवी पे और यहाँ पे कुछ शूटिंग हो रही है, तो मैं सोचा आज शूट रिकॉर्ड कर लूँ और वही शूट आपको दिखाता हूँ। एक एक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, उनका नाम है आयाज खान, वही यहाँ पे आए हुए हैं और शूट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे कैसे प्रोफेशनल शूट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। आजकल मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, तो अपार्टमेंट में ही आजकल पड़ा रहता हूँ। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शूट के तरफ जहाँ पे शूट हो रही है और मैं उसको दिखाता हूँ आपको। सर, आप यहाँ पे डायरेक्टर हैं लाइक इस शूट का? नो, आई वर्क फॉर द ब्रांड। ओके, वर्क फॉर द ब्रांड। गाइस, ये देखो यहाँ पे पूरा कैमरा सेटअप लगा हुआ है, पूरा प्रोफेशनल है और यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है, मैं पूछ पूछ के बताता हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मैं तो करता हूँ ब्लॉगिंग, सिर्फ एक कैमरा लेता हूँ और कहीं भी जंगलों में निकल लेता हूँ। इसमें वेट्स लगे हुए हैं ताकि कैमरा को रोल कर सके। भैया, इसे क्या बोलते हैं? बस यहाँ से स्टार्ट करो। इसे क्या बोलते हैं? जिमी जिम। जिमी जिम, जिमी जिम, जिमी जिम। यह है जिमी जिम जिसमें सेटअप लगा हुआ है कैमरा का, फिर फ्रेम में आएगा। एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। हां, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। रोल करो। रोल है। ऑल कैमरा इन एक्शन। रोलिंग। फटाफट लूप। दैट्स ओके, टेस्ट करते हैं सर। अच्छा अच्छा, ओके, टेस्ट करो। ओके, टेस्ट करते हैं। इफ यू फंबल दैट्स ओके। या हां, ठीक है। चलो 1 2 3 एक्शन। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, यही स्पीड आएगी। हाँ, यही सुपर सुपर सुपर। अच्छा, अब मैं आपको जगह बता रहा हूँ। हाँ, एक सूट लेने से पहले कितना सारा सेटअप करना होता है। देखो ये सारे कर रहे हैं अभी, ये टेस्टिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया है। वो रहे एक्टर और यहाँ पे सारे सेटअप कर रहे हैं। बस बस बस, ये रखना, ठीक है? माल कर लिए, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे करो, एक मिनट उतर भैया, तो इसमें दिख ही नहीं रहा। आप ये बंद करो, वो ऊपर ले जाओ। इससे वो वाला कैमरा गाइस, ये रिमोट कंट्रोल है, इसे क्या बोलते हैं, गिम्बल, जोस्टिक, जोस्टिक, जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक है, यहाँ से लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ये जिमी जिम पे लगे हुए हैं, जिम कर रहे हैं। जिमी जिम। आप बैठ जाना, अभी भी अंडर है। अभी भी अंडर है। हाफ और दिस, हाँ दिस इज ओके। सेक्सी शॉट है। हाँ, रेडी, 3 2 1 एक्शन। That's okay, that's okay. Continue, continue, continue. Ready, sir. 3 2 1 action. Join me in the finest of a place with your client. A half decimal of time in your gallop. Ek bar yo, ek bar yo. Join me in the finest of a place with your client. A hub nestled in a thriving locale of Gurgaon. देख रहे हो गाइस, शूट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। सोचो जब मैं शूट कर रहा होता हूँ, जब ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वही इनके साथ भी होता है। 3 2 1 एक्शन। जॉइन मी इन द फाइनेस्ट ऑफ अ प्लेस विद योर फ्रेंड। अ हब नेस्टेड इन अ थ्राइविंग लोकल। भैया, ये कौन सी मशीन है, ये क्या है? भैया, ये कौन सा मशीन है? ऑडियो ठीक है? ये
बूस्टर है इसको, इससे क्या होता है? लाइट। अच्छा, इस लाइट के लिए इतना बड़ा सिस्टम, ट्रांसफार्मर है क्या? तो चलते हैं अब इस सूट्स के एक्टर से मिलने। तो उनसे अभी एक्चुअली मुझे पता नहीं था उनके बारे में, वो यहाँ पे शूट कर रहे थे और हमेशा की तरह मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा था। सर, कैन आई कम देयर? तो मैं शूट के लोकेशन पे आ गया हूँ। ओके okay. तो मुझे पता चला कि यहाँ पे अयाज़ खान आए हुए हैं। ये हैं अयाज़ खान। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता था, मैंने खुद गूगल पे टाइप करके सर्च किया कि अयाज़ खान है, कि यहाँ पे कोई एक्टर करके आए हुए हैं, क्या सीरीज़ वगैरह वो देखती है ना। तो उन्होंने बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि ब्लॉग बना लो उनके साथ, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं था। सर, मेरा नाम रॉनी है, मैं छोटा मोटा ब्लॉग करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, क्या आप कुछ कह सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? ऑल द बेस्ट रॉनी, लगे रहिए, ब्लॉग्स बनाते रहिए, स्टेप एट अ टाइम, एंड होपफुली आपके व्यूअर्स को आपका कंटेंट और भी पसंद आते रहेगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय, ऑल द बेस्ट। शूटिंग्स के कितने टंटे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, कैमरामैन चाहिए, वो जिमी जिम के लिए भी बंदे चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, और एक बार में शूट नहीं होता, और ख़ास करके अगर डायलॉग ढंग से नहीं आया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 18-18 बार इन लोगों को रीशूट करना पड़ता है। सोचो, मेरे साथ भी ऐसी कई बार गलतियां होती हैं, जब मैं कुछ गलत बोल देता हूं या उल्टा पुल्टा बोल देता हूं, या फिर मेरे समझ से दूर रहता है कि बोलना क्या है। कंटेंट ऐसे नहीं बनता, वो लोग कंटेंट बनाने के लिए कितना टाइम देते हैं, राइटर्स उसके लिए अलग होते हैं कंटेंट्स के लिए, और यहाँ पर एज अ ब्लॉगर कंटेंट भी मेरा, कैमरा भी मेरा, एडिटिंग भी मेरा, म्यूज़िक भी मेरा, सब कुछ ऑल इन वन करना पड़ता है, हलवा बन जाता है। सी यू लेटर, बाय बाय गाइस। हमने इनके साथ बना लिया है वीडियो, व्लॉग कर लिया है, और ये सर अभी बिजी हैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। सो मिलते हैं आपसे बाद में, फ्री होके। अभी मैं ऑन टाइम हूँ, आई मीन ऑन ड्यूटी हूँ, तो काम भी कर रहा हूँ कुछ, यू नो, काम तो करना ही पड़ता है ना, तो ज़्यादा व्लॉग्स नहीं कर सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी चल रहा हूँ अब मैं अपने ऑफिस की ओर। बोथ आर मिलेनियर और बिलियनियर। ये मेरे पास ही रहता है हमेशा। इतने अच्छे नहीं है। होते अभी कुछ भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ट्रैवल नहीं कर रहा ना। Join me in the finest of a place with your tribe. A hub nestled in a thriving. Sorry sir, I don't know why this line मैं भूल जा रहा हूँ हमेशा। A hub nestled